आप देख रहे हैं TNB। गुजरात में जिस तरह पिछले दिनों मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने इस्तीफा दिया, उसके बाद सियासी घमासान तेज हो गया और कयासों का दौर भी शुरू हो गया था कि अब गुजरात राज्य का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। आपको बता दें, तमाम कयासों के बीच बीजेपी ने अपना एक नया चेहरा सामने लाया, जिसे मुख्यमंत्री के रूप में पेश किया गया और सीएम के चेहरे के रूप में लाए गए भूपेंद्र पटेल, जो प्रभावशाली पाटीदार समुदाय से आते हैं। भूपेंद्र पटेल 2017 के विधानसभा चुनाव में राज्य की घाट लोडिया सीट से पहली बार चुनाव लड़े थे और जीते भी थे। बड़ी खबर अब ये मिल रही है कि बीजेपी विधायक भूपेंद्र पटेल ने राजभवन में गुजरात के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है। बीजेपी ने विधानसभा चुनाव से करीब 15 महीने पहले विजय रूपाणी को हटाकर भूपेंद्र पटेल को मुख्यमंत्री बना दिया। 59 साल के भूपेंद्र पटेल को कल ही सर्वसम्मति से बीजेपी विधायक दल का नेता भी चुन लिया गया था। भूपेंद्र पटेल अब गुजरात के 17वें मुख्यमंत्री हैं। गुजरात की 182 सदस्य विधानसभा के लिए चुनाव अगले साल दिसंबर में होने हैं। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने भूपेंद्र पटेल को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल समेत बीजेपी के तमाम बड़े नेता शामिल हुए, जिसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, गोवा और हरियाणा के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। गुजरात के मौजूदा मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में राज्य की घाट लोडिया सीट से पहली बार चुनाव लड़े थे और जीते भी थे। उन्होंने कांग्रेस के शशिकांत पटेल को 1,00,000 से अधिक वोटों से हराया था, जो उस चुनाव में जीत का सबसे बड़ा अंतर था। सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा रखने वाले पटेल पूर्व मुख्यमंत्री और अब उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के करीबी भी माने जाते हैं। आनंदीबेन वर्ष 2012 में इसी सीट से चुनाव जीती थी। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि आने वाले गुजरात विधानसभा चुनाव को देखते हुए जिस तरह गुजरात में नए सीएम के चेहरे के रूप में भूपेंद्र पटेल को जगह दी गई है, इससे बीजेपी को कितना फायदा पहुंचता है और पटेल समाज को कितना वो जोड़ पाते हैं। खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा अपडेट्स के लिए लॉगिन करें www.thenationalbulletin.in पर।